राहुल रॉय को पड़ गया है दिमागी दौरा। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हुशोल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आशिकी यानी जो पहली आशिकी बनी थी उसमें जो मुख्य किरदार में थे यानी हमारे जो राहुल रॉय थे उनको पड़ गया है दिमागी दौरा यानी ब्रेन स्ट्रोक आ गया उनको जब वो हाल ही में शूटिंग कर रहे थे कारगिल में। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतने सालों बाद वो वापसी कर रहे हैं और उनकी जो वापसी थी वो एक कारगिल बेस्ड फिल्म यानी LAC ऐसी एक फिल्म है, उस फिल्म के द्वारे वो कर रहे हैं वापसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी के शूटिंग के दौरान कारगिल में ही उनको ब्रेन स्ट्रोक आ गया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, पर शायद उनकी हालात जो है वो भी थोड़ी सी नाजुक ही रही होगी इसलिए उनको इतना बड़ा ब्रेन स्ट्रोक आ गया है। अब ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद उनको फट से शिफ्ट कर दिया गया श्रीनगर और श्रीनगर से अब उनको लाया गया है मुंबई में और उनकी जो इलाज है वो हो रहा है नानावटी हॉस्पिटल में। जी दोस्तों अब मैं आपको ये बता दूं कि इतने सालों बाद ये इतना बड़ा स्टार जिसको इतना फेम मिला था आशिकी इस मूवी के जरिए वापसी कर रहे थे और तब भी ये चीज़ हो गई। अब भी उनकी हालात जो है वो नाजुक है, इसके ऊपर और भी कुछ अपडेट्स आएंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, पर तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके प्रेयर्स, आपके जो भी आशीर्वाद है, आपकी प्रार्थना है वो ज़रूर लिखिए कमेंट्स में क्योंकि उनको अभी फ़िलहाल तो प्रार्थना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़रूर लिखिए, फटाफट लिखिए और हम आपके लिए और भी अपडेट्स लाते ही रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं हुशोल्का चौहान और आप देख रहे हो मूवीज अड्डा।